बतारीख 9 मार्च बरोज हफ्ते को हल्के असम्बली याकूतपुरा के तहत पैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बदस्त मुबारक मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन्स के कई सारे तरक्याती कामों का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जिसमें तालाब चिंचलम पत्थरगट्टी मुगलपुरा शामिल है, जहां तकरीबन 32 नए तरक्याती कामों का 3 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल कादरी, याकूतपुरा इंचार्ज व मजलिसी यूथ आइकॉन यासिर अरफात व दीगर मजलिसी जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कामों का आगाज पत्थरगट्टी मौला का छिल्ला से शुरू हुआ। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन कामों की तमाम तफसीलात बयान की और फिर बरोज़े जुमा को दिल्ली में पेश आने वाले इंतहाई ज्यादा अफसोसनाक वाक़े पर शदीद बरहमी व नाराजगी का इजहार किया, जहाँ दिल्ली पुलिस के शरपसंद अहलकार की जानिब से जुमे की नमाज के दौरान सजदे की हालत में रहने वाले मुसल्लियान पर लातें बरसाई गई। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज चैनल के साथ। 9 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 9 मार्च 2024 मजलिस इत्तेहाद की जानिब से हल्के असम्बली याकूतपुरा पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में बल्दी हल्के चिंचलम बल्दी हल्के पत्थरगट्टी और बल्दी हल्के मुगलपुरा में 32 नए कामों का इफ्तिताह हुआ। उसकी लागत है 3 करोड़, जिसमें 12 काम नए वाटर लाइन डालने के हैं और 12 सूरज लाइन के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 करोड़ के सूरज लाइन के जो काम हम मंजूर करवाए थे, उसमें से आज इन कामों का इफ्तिताह हो रहा है। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो 20 पानी की लाइन के काम का इफ्तिताह किया गया, वो पानी के पाइप्स जो है इंशाल्लाह 22 मार्च के दिन आने वाले हैं और 22 मार्च के बाद वाटर लाइन का काम शुरू हो जाएगा। जो ड्रेनेज और सीवरेज पाइपलाइन का काम है, वो उसके पाइप्स आ गए हैं, मटेरियल है, उसका काम जल्द से शुरू किया जाएगा। और कल इतवार के दिन सुबह में 1.35 करोड़ की लागत से ड्रेनेज और वाटरवर्क्स के कामों का इफ्तिताह याकूतपुरा असम्बली हलके में बल्दी हलके कुरमागुड़ा डबीलपुरा और रैन बाज़ार संतोष नगर में इन कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। और वही पानी की लाइन का काम 22 मार्च के बाद ही शुरू होगा। हमारी कोशिश यही है कि हैदराबाद पार्लिमानी हलके में जितने असम्बली हलके ज़्यादा आते हैं, जितने बल्दी वार्ड हैं, वहाँ पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और हमारी कोशिश यही है कि ख़ास तौर से याकूतपुरे में बहुत से काम अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली इलेक्शन के बाद MP बजट से 4 करोड़ के काम तो मैं ही MP बजट से दिया हूँ और करीब 14 करोड़ की लागत के सीवरेज लाइन के काम की मंजूरी मिल गई, जिसमें से कई काम शुरू हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला और भी तरक्याती काम इंशाल्लाह अंजाम दिए जाएंगे। वैसे ही याकूतपुरे में 3 रोड वाइडनिंग के लिए मैंने चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके 200 करोड़ रुपये मंजूर करवाए। 3 रोड वाइडनिंग के काम हल्के असम्बली याकूतपुरा में है, एक असम्बली हल्के बहादुरपुरा में है, एक शेख फैज़ कमान की रोड वाइडनिंग है, एक नागाबोली की रोड वाइडनिंग है और एक मदरसे रहमानिया से लेकर बड़े बाज़ार तक जो रोड जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला इसके भी चेक्स 1-2 दिन के अंदर उन तमाम मकान के मालिकीन को दिए जाएंगे। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये कोशिश है। इंद्रोक में रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज़ पढ़ रहा है सजदे में, उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीके से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झिझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है।
और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से, कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक किस परिवार से है? किस परिवार से है वो, किसके ख़ानदान से है, बताओ? आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अज़ीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरका परस्ती और नफ़रत के मज़ाहरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़जल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रुकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फसादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, इससे भी सबक हासिल नहीं किए वहाँ की पुलिस के अहदेदार? कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि एक जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% ज़्यादा लोग मज़हबी लोग हैं और अपनी मज़हबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना उनको, इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं, हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी ज़हनियत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें? मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, ये बताइए जो सजदा कर रहा था जो मुसलमान है उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हमको। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उमरा का फरीजा अदा कीजिए अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में खयाम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज्यारत, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अलहीन ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा, अलहीन के साथ उमरा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उमरा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ मुमालिक के वीजास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9994994010 और 0402956293।